आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक म्यूटेशन। अभी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आगे के लिए आपको बायोलॉजी के साइड में कुछ भी आप करते हैं, मेडिकल साइंस में भी जाते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो म्यूटेशन एक्चुअली है क्या चीज, सबसे पहले हम म्यूटेशन को समझेंगे। म्यूटेशन इज ए फिनोमिना विच रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सिक्वेंस। जो हमारा डीएनए है उसके सिक्वेंस में कोई चेंजिंग होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। और इस जीन में, इस डीएनए में चेंज होने की वजह से उसका इंडिविजुअल का जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों चेंज हो सकता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो जीन है हमारा, जीन क्या चीज है, वो पार्ट ऑफ डीएनए है या डीएनए सेगमेंट है जो कि किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो म्यूटेशन क्या करेगा, उस जीन में, उस जो है डीएनए में चेंज कर देता है। उस चेंज की वजह से जीनोटाइप भी चेंज हो जाएगा और फिनोटाइप भी चेंज आएगा, यानी जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से म्यूटेशन इज अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस आर जीन, ठीक है। इसके बाद ये क्या करेगा, ये डीएनए जब जीन में चेंज होगा तो वेरिएशन होगा। वेरिएशन का मतलब कुछ नए कैरेक्टर्स आ जाएंगे जो पहले से मौजूद नहीं है। अच्छा, जैसा कि आपने रिकॉम्बिनेशन पढ़ा है, रिकॉम्बिनेशन में भी क्या होता है, जीन का एक नया जीन आ जाता है। जैसे कि आपने मियोसिस से पढ़ा है कि एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होने की वजह से कुछ नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है या जो नया चेंजिंग हो रही है, वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से नहीं हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, अचानक से चेंज हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। यहाँ वेरिएशन तो हो रहा है मगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, कोई चीज चेंज हो रही है। कैसे होती है, उसका जो तरीका है अल्टरेशन का क्रोमोसोम में, क्या हो सकता है, डिलीशन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट, ठीक है। कैसे होता है, एक एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए कोई डीएनए का हेलिक्स है इस तरह से, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप पढ़े होंगे ऐसे, इस तरह से ले लेते हैं इसको, मान लीजिए इस तरह से, इस तरह से आपने देखा कि एक ये हमारा डीएनए है, डीएनए का ये डबल हेलिक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है। तो ये इस पे नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है, ये पूरा इस तरह से अरेंज किया हुआ है। अब अगर इसमें कोई एक चीज, एक पार्ट इसका डिलीट हो जाए, ये मान लीजिए यहाँ पे इससे गायब हो गया, अपना हिस्सा ये गायब हो गया, गायब हो गया, क्या हो गया, नेक्स्ट वाला जो यहाँ पे पोर्शन है वो रहेगा, बीच का ये हिस्सा गायब हो गया। तो जो गायब हो गया इसको हम क्या बोलेंगे, डिलीशन, डिलीट करना, जैसे मोबाइल में आप लोग डिलीट कर देते हैं किसी भी फाइल। तो यहाँ पे कोई एक इसका पोर्शन जो है वो डिलीट हो जाए, स्मॉल हो लार्ज हो से मतलब नहीं, बस कोई एक पोर्शन इसका डिलीट हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिलीशन बोलेंगे। या फिर कोई बाहर से नया आ जाए, जैसे पहले जो था उसके बीच में कोई एक्स्ट्रा आके जुड़ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसर्शन बोलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक नया सीक्वेंस आ गया, ये पहले ये नहीं था, ए और टी आप जो देख रहे थे ये पहले नहीं था, ये बाद में आकर के जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, इंसर्शन हो गया। कोई चीज हमने, जिससे मोबाइल में हम सिम इंसर्ट करते हैं, बाहर से कोई चीज चला जाए उसमें, अलग से ऐड हो जाए, तो वो इंसर्शन हो गया। इन दोनों, या फिर डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, यही वाला सिक्वेंस यहाँ पे फिर से आ गया, एक बार और आ गया, ये डुप्लीकेशन हो गया, एक ही सिक्वेंस रिपीट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन। या कोई पूरा एक पार्ट है ये जो है बार बार रिपीट हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे डुप्लीकेशन। तो तीनों टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, डिलीशन, इंसर्शन एंड डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट। कोई एक सेगमेंट है वो या तो डिलीट हो जाए, हट जाए उसमें से, या बाहर से उसमें ऐड हो जाए, इंसर्ट हो जाए, इंसर्शन हो जाए, या फिर वो डुप्लीकेट हो जाए, यानी एक सिक्वेंस दो बार, तीन बार, चार बार आ जाए। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे जो डीएनए का सीक्वेंस है, नाइट्रोजनस बेस का जो उसमें सीक्वेंस है, वो चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा तो यही क्या चीज है, अल्टरेशन है, यही क्या चीज है, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन को आप सीधा सीधा ये समझिए कि जो डीएनए आपका है उसके ऊपर जो सीक्वेंस है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजिंग हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। और अगर कोई एक बेस पेयर खाली चेंज होता है, मान लीजिए खाली ये वाला बेस पेयर चेंज होता है, एक नाइट्रोजनस बेस पेयर चेंज होता है, तब उसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब एक पॉइंट आपका, जैसे आपके रिफिल में पॉइंट होता है,
आपके पेन में पॉइंट होता है, एक पॉइंट, कोई एक नाइट्रोजनस बेस पूरा यहां से हट जाए, गायब हो जाए, ठीक है, या इसमें कोई चेंजिंग हो जाए, तब हम इसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब सिंगल पेयर, और वैसे पूरा फ्रेगमेंट हो रहा है तब तो उसको आप म्यूटेशन बोलेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि म्यूटेशन क्या चीज है और म्यूटेशन कैसे होता है। तो म्यूटेशन क्या चीज है, अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, और किस किस टाइप से होता है ये आपने देखा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ये काम कर सकते हैं, कैसे हो जाता है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन कुछ तो नेचुरली भी होता रहता है कुछ इंडिविजुअल में, लेकिन जो ज्यादातर होता है उसमें फैक्टर्स होते हैं फिजिकल या केमिकल होते हैं। फिजिकल में जैसे आपके अल्ट्रा वायलेट लाइट है, ये सब आपका रेडिएशन है डिफरेंट टाइप के, ये चेंज कर सकते हैं। केमिकल में कुछ केमिकल्स हैं जो ये काम कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन होती है या कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे पेस्टिसाइड वगैरह हैं, इस तरह की चीजें आपके अंदर म्यूटेशन क्रिएट कर सकती हैं, या किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी एनिमल में, प्लांट्स में ये म्यूटेशन कर सकती हैं। तो जो ये फैक्टर्स होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं म्यूटाजेंस। जैसे कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम लोग कार्सिनोजन बोलते हैं, उसी तरह म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स को हम लोग म्यूटाजेंस बोलते हैं। जेन मतलब जनरेट करने वाला। एग्जाम्पल क्या है इसके, अभी मैं पॉइंट म्यूटेशन की बात की थी, तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है सिकिल सेल एनीमिया इज एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन में कोई एक जीन आपका डिलीट हो गया है, चेंज हो गया, तो उसको उसकी वजह से क्या होगा, पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। एक इसमें टर्म आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, उसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या चीज होता है। जैसे यहाँ पे हमारा ये डीएनए सीक्वेंस है, तो एक तरह से ये पूरा फ्रेम हो गया, ठीक है, ये पूरा फ्रेम हो गया। फ्रेम का मतलब ये एक जीन, आप अभी जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिपलेट कोड के बारे में, जैसे एक कोड हो गया किसी एक अमीनो एसिड के लिए, अब पता चला कि इसमें से ये जो पोर्शन है आपका ये डिलीट हो गया। यहाँ जब डिलीट हो गया तो अब जो आपका फ्रेम बनेगा वो कैसे बनेगा, वो यहाँ ना बनके अब यहाँ से बनेगा। तो ये जो ट्रिपलेट कोड था अब यहाँ बीच वाला गायब होने से ये ट्रिपलेट कोड पूरा इस तरह से बन गया। तो अब क्या होगा, जो जीन पहले थी, जो कोड था, वो अब चेंज हो गया, तो फ्रेम हमारा शिफ्ट हो गया इस तरफ को। ये जो ट्रिपलेट फ्रेम था वो एक तरफ को शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो सीक्वेंस है उससे वो अमीनो एसिड नहीं बनेगी जो हमें चाहिए था, या तो अमीनो एसिड बनेगी ही नहीं, या जो हमें चाहिए वो डिजायर्ड है वो चीज नहीं मिलेगी। तो हमारा फ्रेम जो था वो एक तरफ को शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने की वजह से अब जो हमारे फ्रेम के दायरे में जो जो कोड आ रहे हैं वो चेंज हो गए। तो इस तरह के हम लोग म्यूटेशन को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यानी कोई भी जीन अगर उसमें डिलीट हो रहा है या इंसर्ट हो रहा है, दोनों केस में ये फ्रेम जो है शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी जो ट्रिपलेट कोड है एक फ्रेम की तरह है वो हमारा चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया।